अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? प्लीज टेक्स्ट में बता दें या हैंड रेज कर लें, अनम्यूट कर दूंगा। ओके, थैंक यू। तो बेटा, हम बात कर रहे थे टॉपिक्स की, टॉपिक्स भी देख लिए हमने, अब सारा कुछ हमारे सामने, बुक्स भी हमारे पास है, हार्ड कॉपी भी है। हार्ड कॉपी तो नहीं है, हार्ड कॉपी ले लें सब लोग, और सॉफ्ट कॉपीज मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम जितनी भी अवेलेबल होंगी मैं आपसे शेयर करूंगा सॉफ्ट कॉपीज, और दबाव साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई इनका व्हाट्सएप ग्रुप है या कोई और चीज़ है तो उसमें ये शेयरिंग हो गई। ये तीनों पेपर्स भी एनालिसिस के पार्ट वाले मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो दो बुक्स हमने स्टार्ट में देखी थी बेटा, सबसे स्टार्ट में दो बुक्स देखी थी, उन पे वापस आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये बुक्स आपके बेडरूम में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, सोने से पहले जैसे आप मोबाइल को यूज़ करते हैं, लेकिन सोने से पहले इनको यूज़ करें, इस्तेमाल करें इन बुक्स को पढ़ाई के लिए। तो तरीकाकार ये होगा, जैसा कि एक स्टूडेंट ने सवाल किया था नेक्स्ट किस तरह से हम सीखेंगे, तरीकाकार ये होगा कि तीन जूम मीटिंग्स हुआ करेंगी रियल एनालिसिस के सेशन की, जिसमें से पहली दो जूम मीटिंग्स में हम डिस्कशन किया करेंगे, यानी कि मैं उसमें एक कह लें कि डिलीवर करूंगा और डिस्कशन तो हम सारे ही करेंगे, उसमें मेरी तरफ से डिलीवर किया जाएगा पहली दो जूम मीटिंग में हर सेशन में। जो बेटा तीसरी जूम मीटिंग हुआ करेगी उसमें FSC के हवाले से, FSC पे क्वेश्चनिंग मैं आपसे किया करूंगा, मैं आपको चैप्टर्स असाइन कर दिया करूंगा कि ये वाले चैप्टर्स आपने, यानी कि नेक्स्ट सेशन में जब भी आना है इन चैप्टर्स को आपने पढ़ के आना है, मैं क्वेश्चनिंग करूंगा, कोई मेंबर मुझसे क्वेश्चन करेगा। तो इस तरह से वो जो तीसरी जूम मीटिंग है, मतलब एक सेशन एक डेढ़ घंटे की तीन होगी ना, तो तीसरी जूम मीटिंग में जो है ना हम आंसर क्वेश्चन FSC के हवाले से और जो उस दिन लेक्चर डिलीवर होगा या जो डिस्कशन हुई होगी, तीसरी मीटिंग आंसर क्वेश्चन के सेशन पर हो जाएगी। तो बहुत सख्त वक्त आपकी तरफ आने वाला है, मेरी तरफ से मैंने आपको इंशाल्लाह टफ टाइम देना है, और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी मुझे जब आप अच्छा सा पढ़ के आएंगे, बुक्स में डूब के आएंगे, तो फिर आप भी मुझे टफ टाइम देंगे।
तो मैं भी उसी तैयारी से फिर आया करूंगा। तीसरी जूम मीटिंग हर सेशन में एफएससी पे हुआ करेगी, क्योंकि एफएससी करवाना या यहाँ पे डिस्कशन करना मैं समझता हूँ टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और वो तो फिर वही लेक्चर मेथड पे आ जाएगी सारी बात, इसलिए एफएससी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। एफएससी सारी आप खुद करेंगे। अब हम चलते हैं बीएस की बुक जो हमने डिस्कस की थी सबसे पहले, ये तालपुर की बुक थी। तालपुर का पहला चैप्टर बीएससी का है, उसको कर लें, या फिर जो जिन्होंने बीएस किया हुआ है उनको यहाँ से आसानी होगी। ये थॉमस कैलकुलस, ये थॉमस की बुक है, तो यहाँ से चूंकि ये मुझे पीडीएफ में अवेलेबल हुई तो मैं चाहता हूँ हम यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करें। तो ये चीज़ें मैं, ये बुक्स जो है मैं आपको पीडीएफ में शेयर कर दूँ, इनको आप सेलफोन में भी देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हार्ड कॉपी वो ताकि यकसुई से आप पढ़ सकें। तो पहली बात हमने की थी सेट्स के हवाले से, इसके चैप्टर्स अगर हम देखें बेटा गौर से तो चैप्टर शुरू करते हैं, कंटेंट्स दिए। चलें, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है स्टूडेंट्स? शायद यहाँ पे कोई टेक्निकल इशू ना हो। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 1 है, आज हम यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं। और वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीसरी जूम मीटिंग में आपका टेस्ट हुआ करेगा, एक किस्म का टेस्ट ही हुआ करेगा ओरली। तो तीसरी जूम मीटिंग के लिए नेक्स्ट जब भी अपना सेशन होगा, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के 4 चैप्टर्स आपने जो है ना कर लेंगे। पहले 4 चैप्टर्स में से आपके क्वेश्चन आंसरिंग होगी, फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ द फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसकी आसान सी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। अगर आपको पता ही ना चल रहा हो कि ये रियल नंबर है या नहीं है, कोई नंबर ऐसे ही दे दिया जाए आपसे पूछ ले कि रियल है या नहीं है, तो उसका बेटा आप करें एक्स इज रियल। दुनिया का हर वो नंबर जिसका आप स्क्वेयर करें और उसका स्क्वेयर करने से आंसर जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, उसे हम कहेंगे कि ये वो नंबर जिसका स्क्वेयर किया गया था वो एक रियल नंबर है, ग्रेटर देन 0। तो इसकी एग्जांपल्स हैं, मतलब एक्स इज इक्वल टू आप चूज कर लें -5, तो आप देख सकते हैं जब इसका स्क्वेयर करेंगे -5 का तो 25 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन। सो दिस इज अ रियल नंबर। उसके बाद रियल के आगे टाइप्स हैं, रैशनल है, इरेशनल है, वो आप उसी में फर्स्ट ईयर में देख लेंगे। रियल और रैशनल इरेशनल सारे इसके सेट्स सबसेट्स हैं, तो इसको सेट ऑफ रियल नंबर्स की एक नोटेशन ये भी है, ओपन इंटरवल में लिख लेते हैं। इंफिनिटी के लिए चूंकि यहाँ पे नहीं है, हम इंफिनिटी के लिए ये सिंबल यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यूज कर रहे हैं।
इस तरह से भी शो करवाते हैं। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर, जैसा कि हमने डिस्कशन की कि एनालिसिस की इब्तदा ही सेट से होती है, तो रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एक्चुअली अ सेट। किस तरह का सेट है? सेट कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का सेट जो के क्या है, माइनस इंफिनिटी से ग्रेटर है और प्लस इंफिनिटी से लेस है। जी, यही थी इसकी रियल की डेफिनेशन। रियल की डेफिनेशन के साथ साथ मैंने आपको डेफिनेशन लिख दी है ओपन इंटरवल की। कोई भी ओपन इंटरवल है, यहाँ पे ए बी लगा लें तो ए बी ओपन इंटरवल इज नथिंग बट अ सेट। ओपन इंटरवल भी बेसिकली एक सेट है उन तमाम एलिमेंट्स का जो ए से ग्रेटर हो और बी से लेस हो। तो इसको ओपन इंटरवल के साथ साथ ही देख लेते हैं डेफिनेशन। इसको अगर देखें आर में देखें तो ये आर का सबसेट है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंगिंग टू ऑल अगर बेटा इसको उर्दू में पढ़ना चाहे ना, हम इसको ये कह सकते हैं ए बी इंटरवल दुनिया के वो तमाम रियल नंबर्स, वो तमाम रियल नंबर्स जो दिए हुए ए से ग्रेटर हों और दिए हुए बी से लेस हों, वो इस सेट के मेंबर बन जाएंगे। अगर आप इसको गौर से देखें तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, और सबसे जो ज्यादा यूज की जाती है सेट को लिखने के लिए नोटेशन, वो यही है सेट बिल्डर नोटेशन। इसको लिखना सबसे आसान भी है और सबसे कंप्रीहेंसिव तरीके से लिखा जा सकता है। अगर ये तरीका ना होता तो हम कभी भी सेट ऑफ रियल नंबर्स को ना लिख सकते, और कभी भी ये जो है, ये देखिएगा, अगर इंटरवल वाला तरीका हमें ना दिया जाता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक -1/2 से 1/4 तक अगर आप सेट में लिखना चाहते चीजों को, ये देखिएगा -1/2 से ऑनवर्ड जा रहे हैं। -1/2 से अगला रियल नंबर आपको पता है? अगला रियल नंबर ही नहीं पता तो किस तरह से हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं 4 तक? तो ये फायदा है सेट बिल्डर फॉर्म का या ओपन इंटरवल का। आप लिख ही नहीं सकते थे इतने इन, और ये भी देखें कि -1 से 4 तक, -1/2 से 4 तक इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स हैं। तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स को या इनफाइनाइट एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। हाँ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चाहे लिख सकते हैं, जबकि इसको अगर हम इस इंटरवल की शक्ल में लिख दें -1/2, ओपन इंटरवल की शक्ल में लिख दें तो है ये सेट ही बेटा, सेट ऑफ -1/2 to 4 ये हो जाएगा। इसको उसी तरह से सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ग्रेटर देन -1/2 एंड
लेस देन फोर, या अगर उर्दू में बात करें माइनस वन बाई टू और फोर के दरमियान दुनिया के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इस सेट का हिस्सा है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्या क्या माइनस वन बिलोंग करता है इस सेट को, इस सेट का अगर मैं नाम रखूं, क्या माइनस वन बिलोंग करता है ए को? जी मोहसिन सर नहीं करता बिलोंग। हाँ तो ये मतलब आपको क्लियर हो जाए कि फौरन पता चल जाए। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ ले जीरो कर दे, तो आपके पास रियल लाइन सामने मौजूद है, माइनस वन बाई टू से आगे आगे रहना है और फोर से पीछे पीछे रहना है, तो हम फौरन पता चला सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरवल रियल का ही सब क्या होता है, ओपन इंटरवल रियल लाइन का या रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स का एक छोटा सा सबसेट होता है, होता ये भी सेट ही। जैसा कि हम देख सकते हैं कि माइनस वन बिलोंगिंग्स टू नॉट बिलोंगिंग टू ए बट जीरो बिलोंगिंग टू, अच्छा ये सबसेट हो गया, एवरी ओपन या क्लोज भी कर लें क्लोज इंटरवल सबसेट की तो डेफिनेशन होगी ना सबको क्लियर। हर रियल एवरी ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ आर। ये हमने ओपन इंटरवल भी बना दी, उसके बाद ये रूल्स हमने पढ़े हुए हैं। अच्छा, इसको रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स को रियल इसलिए भी कहा जाता है कि इसके एलिमेंट्स के दरमियान ना छोटे बड़े की तमीज होती है। आपको पता है चार बड़े तीन छोटे, आपको पता है पचास बड़े थर्टी छोटे, इसलिए इसको रियल नंबर्स कहा जाता है। इसमें ऑर्डर्ड होते हैं रियल नंबर्स को, ऑर्डर्ड सेट भी कहा जाता है। ऑर्डर्ड का मतलब जिसमें कोई तरतीब हो, जिसमें पता हो आपको कौन ग्रेटर है कौन लेस है, ऐसे सेट को हम ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। जबकि इसके इसके मतलब अपोजिट अगर हम देखना चाहते हैं, टू प्लस फाइव वही होता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग्स टू सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फाइव माइनस फाइव प्लस सिक्स है, दिस आल्सो बिलोंग्स टू सी। तो क्या बेटा आप मुझे बता सकते हैं दोनों में से कौन ग्रेटर है? इसका नाम लिख देते हैं जीरो। जी कोई बताएगा जी वन ग्रेटर है जी टू ग्रेटर है? सुफियान कुछ बताना चाह रहे? जी बेटा सुफियान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम इन दोनों में इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये जो है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया होगा, तो जब तक इमेजिनरी नंबर दिया होगा तब तक हम दोनों के ये डिफाइन ही नहीं कर सकते कौन सा ग्रेटर देन और कौन सा स्मॉलर देन। हाँ, दूसरा ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है ना इनका पेरेंट सेट है जिसके ये मेंबर्स हैं, यस सर, वहां पे कोई ऑर्डर ऑर्डर नहीं है, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड सेट नहीं है। यस सर, वो कहते नहीं है यहाँ तो छोटे बड़े की तमीज ही नहीं है, किसी जगह ऐसी जगह चले जाते हैं वहाँ नहीं होती।
किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं वहां पे होती है, वहां पे अदम अदम होते हैं। तो इसी तरह ये सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है ना यहाँ पे ऑर्डर्ड है, यहाँ पे हम एलिमेंट्स को देखते ही बता सकते हैं कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है। या कोई से दो अननोन एलिमेंट्स भी है ना, अननोन एलिमेंट्स हैं आर के सेट ऑफ रियल नंबर्स के, तो उनके बारे में भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि या तो दोनों इक्वल हैं या दोनों में से कोई एक लेस है या ग्रेटर है इस तरह से। तो यहाँ से पहले ही दो डेफिनेशन हम कर चुके हैं, सेट और ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट कौन सा हुआ करेगा जिसमें कोई ना कोई रिलेशन हो एलिमेंट्स के बिटवीन, ग्रेटर देन का रिलेशन हो या लेस देन का रिलेशन हो या इक्वल टू का रिलेशन हो, ऐसे सेट को हम ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स वाले एलिमेंट्स इसको वे नहीं कर रहे, आप नहीं डिसाइड कर सकते कि z1 लेस है z2 से या z2 लेस है z1। वी कांट अज्यूम बिकॉज़ देयर इज नो ऑर्डर इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज भी इसी वजह से एग्जिस्ट कर गई क्योंकि आर में क्या एग्जिस्ट कर रहा था, ऑर्डर। आर एक ऑर्डर सेट था इसीलिए उसमें ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर गई, लेस देन ग्रेटर देन। ये अब ये वही आ जाती है कि आप प्लस कर सकते, अगर ए लेस देन बी है तो आप प्लस कर सकते हैं दोनों साइड से, अगर ए लेस देन बी है तो दोनों साइड पे माइनस कर सकते हैं, a less than b है और कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो कर सकते हैं, इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। उसके बाद है चार पे a less than b है, c नेगेटिव है, वो कहते हैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे इनइक्वालिटी डिस्टर्ब होगी, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। वो हम रियल नंबर पे जाके भी देख सकते हैं, किसी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। जैसे सेवन अगर ग्रेटर देन जीरो है, वन ओवर सेवन की ग्रेटर देन, तो अगर दो नंबर है एक लेस है दूसरा ग्रेटर है उनके रेसिप्रोकल ले लिए जाए तो भी इक्वालिटी डिस्टर्ब होगी या चेंज होगी। तो ये थी प्रॉपर्टीज, ये वही कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीट सेट कौन सा होता है, एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होता है लेकिन हम कंप्लीट सेट की बात कर रहे हैं। द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर सिस्टम इज डीपर एंड हार्डर टू डिफाइन प्रिसाइजली, हाउएवर द प्रॉपर्टी इज एसेंशियल टू द आइडिया ऑफ लिमिट। कहते हैं ये कंप्लीटनेस की बातें फिर लिमिट की आइडिया के बाद डिस्कस करेंगे, वहां पे जाते हैं। आगे इसकी फिर टाइप्स आ गई, जैसे हमने सेट की बात की थी बेटा, सेट्स की टाइप्स आ गई है, नेचुरल नंबर है, रैशनल नंबर्स हैं, ये सारे आप उससे देखेंगे चैप्टर नंबर वन में इसका। अच्छा, ये सारी टाइप्स आप देखते हैं, रैशनल कौन सा होता है, इरेशनल कौन सा होता है, उसके बाद सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, एम्प्टी सेट, ये सारी बेसिक्स जो है ना, rational, irrational, union, intersection, ये भी सेट्स ही हैं सारे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स की हमने बात की थी, ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं सेट्स के ऊपर, तो ये चीजें हैं। इंटरवल्स को तो हमने आते ही डिस्कस किया यहाँ पे, तो बेसिक्स हमारे पास जितनी ज़्यादा होंगी हम ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। इंटरवल्स की डेफिनेशन हो गई, ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया, ये सारा इसको रीड आउट करेंगे हम। इनफाइनाइट इंटरवल हो गया, फाइनाइट इंटरवल हो गया, asking something. Please, can unmute.
सर मैं मेरा एक क्वेश्चन था सेट के हवाले से, मैं ना एक इंटरव्यू दिया था उसमें ना मुझसे ये पूछा गया था कि जो जो बालों का एक सेट है इसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, लकड़ियों का एक सेट है तो इसकी काइंडली जो है ना इसे डिफाइन कर दीजिएगा, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी मुझे सेट के हवाले से, क्योंकि सेट का टॉपिक चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है ये। सेट का कैसे पता चलेगा कि ये सेट है या नहीं, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना आपका? यस सर, यस सर। अब बालों का सेट है, मैं उसका नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ बी, या एच लिख लेता हूँ, एच इज इक्वल टू द सेट एक्स सच दैट एक्स ये आपने जो बेटा बात की है ना मैंने वो लिख दी, यस सर, ठीक है। एच एक ऐसा सेट है जो कि क्या है, इन एलिमेंट्स पर है, एलिमेंट्स बता दिए कि वो बाल होंगे, इंसानी बाल होंगे, ठीक है, ये मैंने डिफाइन करवा दिया, इसकी डेफिनेशन एग्जिस्ट कर गई। सेट को बेटा हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड होने का क्या मतलब है कि अब अगर कोई और आके कहता है, कोई फॉर एग्जांपल काओ आके कहती है कि मैं बिलोंग करती हूँ, तो बिलोंग करती है काओ इसे? जी सुफियान, हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी बेटा काओ इस सेट में बिलोंग कर जाएगी या नहीं? सर मैं आपके क्वेश्चन समझा नहीं, काइंडली रिपीट कर दें। सेट बेटा उसे कहते हैं जिसको आप देखते ही कोई मेंबर आके कहे कि मैं भी इस घर में रहता हूँ, आपको फौरन पता चल जाए कि ये रहता है यहाँ पे या नहीं रहता। यस सर। अब ये काओ इस सेट में रहती है या नहीं रहती? नो सर। हाँ सेट बेटा उसे कहते हैं कि आप एलिमेंट को देखते ही आइडिया या फैसला या डिसीजन कर लें कि ये इस सेट का मेंबर है या नहीं, उस डेफिनेशन को सेट कहते हैं। यस सर। अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते, आपको पता नहीं चलता कि ये पता नहीं होगा नहीं होगा, तो उस सेट को हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। यस सर। सेट को बेटा हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते कि हमें पता ही ना चले कि फलां मेंबर आता है उसको बिलोंग करता है या नहीं करता। अब जैसे आपने बालों के सेट की एग्जांपल दी, तो अब जो भी आएगा हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर कोई इंसानी बाल आप लेके आएंगे और इसमें एंट्री करना चाहेंगे एज में, उसको तो मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई आगे कहते हैं मुझे इसमें एंट्री दे दी जाए सेट में, तो नेशनैलिटी दे दी जाए, तो उसको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। तो वेल डिफाइंड एक बड़ा इम्पोर्टेंट लफ्ज है, सेट है ही बेसिकली एक डेफिनेशन ही है, उस डेफिनेशन पे कोई पूरा उतरता है तो वो मेंबरशिप ले लेता है सेट की, अगर नहीं उतरता या अगर आप चेकिंग ही ना कर पाए, किसी मेंबर की चेकिंग ही ना कर पाए, तो इसका मतलब वो सेट नहीं है। अगर आप किसी सेट के बारे में ये नहीं ना डिस्कस कर सकते, डिसाइड कर सकते कि ये आइदर बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग, तो फिर इसका मतलब डेफिनेशन क्लियर नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, सेट नहीं है। जी सर एक कंफ्यूजन है कि डिस्टिंक्ट का जब वर्ड बोला जाता है तो वो कंफ्यूजन है कि वो तो ऐसे होना चाहिए जो डिस्टिंक्ट होना चाहिए ऑब्जेक्ट। हाँ तो आपके सर के बाल जो हैं सारे के सारे जी डिस्टिंक्ट है, हर बाल दूसरे से मुख्य है,
अगर कलर वाइज देखा जाए तो सेम नहीं है। नहीं, हमने यहाँ पे सिर्फ बाल की बात की है, कलर्स की डेफिनेशन तो लाए नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, जितनी डेफिनेशन आप देंगे ना सेट को, उसने उसके मुताबिक चेकिंग करनी है बेटा। अगर आप ब्राउन की बात करेंगे, एक्स इज अ ब्राउन हेयर, तो फिर हम ब्राउन वालों को एंट्री देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है कि ये वेल डिफाइन होना जो है ना, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि आप फौरन फैसला कर सकें कि एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं नहीं। डिस्टिंक्ट उससे अगला मरहला है, और डिस्टिंक्ट तो बेटा होंगे ही होंगे जब आप सारों की चेकिंग करके भेज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ना एक सिक्योरिटी की कंपनी में जॉबियन है और आप आइडेंटिटी कार्ड देख के उनको जाने दे रहे हैं, ठीक है। हर वो स्टूडेंट जिसने एमएससी मैथमेटिक्स की है, आप उसको एंट्री दे रहे हैं, तो आप उसका कोई क्राइटेरिया बनाएंगे कि किस तरह से आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे पहले, ऐसा ही है ना? यस सर। तो ऐसे ही कोई आके कह दे कि मैं भी एमएससी मैथ हूँ, आप उसे कहेंगे नहीं आपको एंट्री नहीं मिल सकती जब तक कि वो डेफिनेशन पे ना पूरा हो गया। yes, इस तरह कोई से सेम तो आ ही नहीं सकते, डिस्टिंक्ट हो के चेकिंग हो के एंट्री मिलेगी। यस सर। तो ज्यादा जो बेसिक है ना बेटा डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन क्या बनाते हैं किसी भी सेट, जैसा कि हमने इसकी बनाई थी, इसको हम अपनी मैथमेटिक्स में देख लेते हैं। इसकी हमने बनाई थी x इज इक्वल टू 2a होता। मैंने रियल नंबर की डेफिनेशन बताई थी ना आपको, उसका क्या करके चेक करें, स्क्वायर करके चेक कर लें दोनों तरफ स्क्वायर। इसका स्क्वायर ले लें, जिस नंबर को आपने चेक करना है रियल है या नहीं है उसको डेफिनेशन पे ला के चेक करें कितना आंसर आ रहा है। -4 विच इज नॉट हमने इस नंबर का स्क्वायर किया लेकिन स्क्वायर इसका ग्रेटर देन 0 नहीं आया, तो क्या इस नंबर को रियल में एंट्री मिल जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर? जी बेटा मिलेगी या नहीं मिलेगी? -4 तो बिलोंग करता है रियल नंबर से। नहीं नहीं, इसको हमने चेक किया जिसका स्क्वायर लिया। नहीं ये तो नहीं बिलोंग करेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ रियल नंबर की डेफिनेशन, हर वो नंबर जिसका हम खुद से स्क्वायर करें, स्क्वायर को नहीं देखना, जिस नंबर का स्क्वायर किया गया है, जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं कि रियल में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। हम चेक किसको करना चाह रहे हैं बेटा, 2a को। यस सर। 2a को चेक करना चाह रहे हैं कि ये रियल की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर। यस सर। तो हम उसका ले लेते हैं स्क्वायर, स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 आ गया बाय डेफिनेशन तो हम कह देंगे कि आपको रियल एंट्री मिल गई अदरवाइज। यस सर। ठीक है, तो यहां पे इसको नहीं मिल रही तो नहीं, ये हम कह देंगे 2a does not belong रियल नंबर। ठीक है, इसी तरह अगर कोई रियल का उठ के कहता है कि मैंने कॉम्प्लेक्स में जाना है, जैसे कोई पाकिस्तानी उठ के कहता है मैंने तो अमेरिका की नेशनैलिटी लेनी है, तो उसकी अपनी उनकी अपनी डेफिनेशंस बनी हुई है बेटा, उन डेफिनेशंस पे पूरा उतर जाए वो दे देंगे, ऐसे ही है ना। अब x इज इक्वल टू 2 है, ये किसका मेंबर है? हाँ, ये कहता है मैंने जाना है कॉम्प्लेक्स में, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स में, उसकी अपनी डेफिनेशन बनी हुई है, वो अपना वेल डिफाइंड है,
तो आप फौरन डिसीजन करें कि सी में होगा या नहीं होगा ये टू एक्स इज इक्वल टू टू सी में होगा या नहीं। तो वो सी को किस तरह के चाहिए, सी कहते हैं मुझे इस तरह के एलिमेंट्स चाहिए जो योटा जिनके साथ लग जाए, ये लगा दिया जाए या लगा हुआ हो। टू को लिख सकते हैं ना इस तरह की शक्ल बना के एंट्री मिल जाएगी, क्या ख्याल? तो ये है बेटा उसकी डेफिनेशंस। डेफिनेशंस पे आके आप फौरन क्लियर कर सकते हैं कि सेट बन रहा है या, अगर आप कंफ्यूज हैं किसी एलिमेंट को शामिल कर सकते हैं नहीं तो फिर इसका मतलब सेट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये हमने बनाए हैं ओपन इंटरवल्स, ये चैप्टर नंबर वन इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट है बेसिक्स के हवाले से, थॉमस की कैलकुलस का। ये इंटरवल्स बनाए हैं फाइनाइट इंटरवल्स, इनफाइनाइट इंटरवल्स, ये इनक्वालिटीज को सॉल्व करना सिखाया, वही प्रॉपर्टीज जो लगाई थी वो प्रॉपर्टीज लगा के इनक्वालिटीज को सॉल्व करना सिखाया, ये आगे एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे करते हैं ये भी हमने किया हुआ फर्स्ट ईयर। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज की प्रॉपर्टी हो गई है वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप देखेंगे। और ये भी जो डिस्कशन हुई होगी इसको भी, ये वही लाइन सर्कल्स पैराबोलास ये सारी चीजें जो हमने स्लोप का फार्मूला आगे कल बेटा हम नेक्स्ट सेशन में यहाँ से स्टार्ट लेंगे फंक्शंस एंड डियर ग्राफ्स। तो अब 3 मिनट्स बाकी है मीटिंग के, तो आपके क्वेश्चंस जो भी है आप पूछ सकते हैं बाय रेजिंग योर हैंड्स। जी कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी स्टूडेंट का, या कोई भी शेयरिंग हो या कोई भी डिस्कशन हो वो कर सकते हैं। वी हैव 2 more minutes इन टुडेज सेक्शन। जी कोई आपका सवाल नहीं, आसिफ कहा सर बताएंगे। सर रेल की डेफिनेशन आपने बताई कि अगर हम लोग किसी भी नंबर का स्केयर लें और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मतलब के आ जाए, तो सर हम रेल नंबर में माइनस वाले नंबर्स की भी तो बात करते हैं, तो कर लें उसका भी स्क्वायर कर लें क्या आएगा? वो भी ग्रेटर देन हो जाएगा। मैंने कहा जब भी जो भी कहते हैं ना मैंने रियल बनना है, आप उसे कहे इधर आओ मैं तेरा स्क्वायर लेके बताता हूँ। सर ठीक हो गया, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट आसिफ ताहर कुछ बात करना चाहूँ। नहीं सर बस मेरा यही क्वेश्चन था, इसमें जो डेफिनेशन क्लियर होती है नेक्स्ट सर ये रीड आउट करेंगे और इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो तैयार रहिएगा मेरे से, आप तो मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे लेकिन मैंने आप सबको जो है ना क्या लेंगे डिस्टर्ब भी करना है तीसरी जूम मीटिंग में, तो अगर आपने मुझसे बचना है तो आप कोशिश कीजिएगा पहली 2 जूम मीटिंग में मुझे डिस्टर्ब कर लिया। सर
इंशाल्लाह सब कोशिश करेंगे कि जो आप पूछेंगे उसका आंसर दे पाएं, नहीं तो आप मौजूद हैं बताने के लिए।